हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। सिर दर्द कई बार देखा गया कि अधिक काम करने या मानसिक अशांति के कारण सिर में दर्द होने लगता है। कुछ लोगों को समय से चाय, कॉफ़ी या खाना नहीं मिलता तो उनका सिर दुखने लगता है। पेट में कब्ज होने पर भी सिर दर्द की शिकायत हो जाती है। कुछ लोग अधिक भाग दौड़ के बाद सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द आदि के कारण भी सर दर्द हो जाता है। अब इसका इलाज, माथे पर देसी घी कुछ देर तक मलने से सिर दर्द रुक जाता है। पानी में सौंठ पीसकर माथे पर लगाने से सर्दी से होने वाला सिर दर्द रुक जाता है। इसके अलावा लौंग पीसकर पानी में घोलकर मस्तक पर चंदन की तरह लगाएं, सर दर्द खत्म हो जाएगा। आगे तुलसी की पत्तियों का रस अदरक के रस में मिलाकर माथे पर लगाएं तथा रोगी को पिलाएं। इसके अलावा बादाम के तेल में केसर मिलाकर दिन में 3 बार सूंघने की क्रिया करनी चाहिए। नींबू को चाय में निचोड़ कर पीने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। 3-4 तुलसी की पत्तियां चबाने से भी सिर दर्द कम हो जाता है। इसके अलावा बादाम के तेल की मालिश करने से भी सिर दर्द कम हो जाता है। साथ ही 4 पत्तियां तुलसी, 4 दाने काली मिर्च तथा 2 लौंग सबको पीसकर माथे पर लगाएं, इससे सिर दर्द खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यदि गर्मी में सिर में दर्द हो तो पालक और गाजर का रस पीना चाहिए। नींबू की पत्तियों को कुचलकर सूंघने से सिर दर्द चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।